ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बजट में स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ एक नए मेहमान मनोज शर्मा जुड़े हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में आने के लिए। आपको बता दें कि ये बजट तो पेश हो चुका है, बार बार हम चर्चा कर रहे हैं उस बजट के ऊपर कि बजट आखिर है कैसा। नए मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, बाकी दो पहले से ऑलरेडी यहाँ मौजूद थे, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी और दीपिका जी यहाँ पर थी। तो हम इससे चर्चा करेंगे इस बार कि आखिर जो टैक्स में बदलाव आया है, अगर टैक्स बदलता, अगर स्लैब चेंज होता तो उससे सरकार को कितना नुकसान होता, या फिर जो सरकार को अगर नहीं चेंज हुआ तो फ़ायदा कितना होगा, क्योंकि अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों बढ़ चुके हैं। ग्रोथ भी काफ़ी बढ़ रही है, बिजनेस सेक्टर भी अच्छे लेवल पर अब काम करने लग गए हैं, गाड़ी पटरी पर कोविड के बाद आ चुकी है। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और $5 ट्रिलियन की अगर बात कर रहे हैं जाने के लिए ऊपर, और विश्व की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, पाँचवें पर हम हैं, तीसरी पर आने का हमारा प्लान है, तो ऐसी पोजीशन पर अगर टैक्स में डिडक्शन होता, कटौती होती, तो फिर आखिर अगर स्लैब बढ़ाती सरकार तो उस पर कितना नुकसान होता उनको, कितने का उनको बोझ पड़ता। जी मनोज जी, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे कि जो टैक्स आपने देखा अभी, जो ऑब्जर्व किया आपने, स्टडी किया, उसमें किसका कितना फ़ायदा हुआ? देखिए, जैसा अभी आप सुबह से बार बार चर्चा में आ रहा है कि ये इंटरिम बजट है, कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस भी हैं, उनको पूरा करने के लिए सरकार कोई खास लुभावना वायदा या कोई मेजर चेंज तो इसमें नहीं कर सकती है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि सरकार ने अपनी तारीफ के साथ साथ इसमें काफ़ी कुछ बैलेंस्ड वे में चीज़ों को रखा है। टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया है, टैक्स स्लैब में चेंज ना करके बस एक लिमिट बढ़ाई है एस्टिमेटेड टैक्स की। 44 AD में जो अभी तक होता था वो 2 करोड़ लिमिट थी, उसको 3 करोड़ किया गया है। ऐसे ही प्रोफेशनल्स के लिए, डॉक्टर्स, CA वगैरह के, सॉरी प्रोफेशनल्स के लिए, तो वो 50 लाख को 75 लाख किया है। ये मेजर चेंज है थोड़ा। और एक चेंज अभी वेलकमिंग जो स्टेप रहा गवर्नमेंट का, वो ये था कि जो कुछ डिमांड थी पुरानी चली हुई, अब 2010 से पुरानी जो डिमांड्स थी उनको उन्होंने कहा कि 25,000 तक की अगर कोई डिमांड्स हैं तो वो सब वेव ऑफ कर दी जाएंगी, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड ना SSC के पास अवेलेबल है, ना डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है। डिजिटाइजेशन होने की वजह से ये प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने 25,000 तक की वो ख़त्म कर दी। और आफ्टर 2011 जो डिमांड्स हैं वो अप टू 10,000 उन्होंने वेव करने का बोला है। GST में भी कोई चेंज खास नहीं है, बस GST में थोड़ा एक बताया गवर्नमेंट ने अपना अचीवमेंट कि मंथली जो कलेक्शन है वो 1.66 लाख करोड़ हो रहा है, और नेक्स्ट ईयर इसके 2 लाख करोड़ पर मंथ होने की पॉसिबिलिटी गवर्नमेंट बता रही है। बढ़ रही है और ये बड़ा वेलकम है। एक्चुअली देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें, उसके साथ में GST में जो चेंज हुआ बेसिक, वो एक बात बता दूं। पान मसाला मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनके केस में उन्होंने बताया कि कोई अगर मशीन पैकिंग की नई लग रही है तो उसको GST में इंटीमेशन देनी पड़ेगी, और अगर इंटीमेशन नहीं दी तो वो 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी या उस मशीन के सीजर का भी प्रोविज़न इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। बाकी कोई चेंज ऐसे नहीं है। बाकी देखिए है क्या बजट में, अभी तक आप पिछले 10 साल में इस चीज़ को कितने लाख तक की मशीन, अगर हो कितने हजार तक मशीन, कितनी भी हो, पैकिंग पान मसाला की जो पैकिंग की मशीन है उसकी कॉस्ट का कोई बात नहीं है, कॉस्ट कुछ नहीं, पेनल्टी अप टू 1 लाख विवरण देना है। हाँ, और जितनी ग्रेविटी होगी ऑफेंस की उसी हिसाब से मशीन के सीजर का भी प्रोविजन है, ये उन्होंने इसमें अभी डाला है, ये नया प्रावधान आ रहा है। चाहते हैं कि जो पैकिंग का हो वो जरा उनकी नोटिस में रहे, हाँ, नोटिस में रहे, इन्फॉर्मेशन ही वो चाहते हैं। देखिए, ईमानदार टैक्स पेयर को एनकरेज कर रही है गवर्नमेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 10 साल में आपने देखा भी होगा, गवर्नमेंट चाहती भी यही है, एक बेसिक फंडा है कि टू टीच हाउ टू फिश इज बेटर देन टू गिव ए फिश, गवर्नमेंट यही चाहती है, यही उनका बेसिक रूल भी है। आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है उनकी 2047 तक, वो यही है कि आपको अर्न करना सीखें, आप किसी से अपेक्षा ना रखें, उम्मीद फ्री के आइटम की आप उम्मीद ना करें कि हमें ये चीज़ फ्री में मिलने वाली है। उसके बजाय आप अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएं, अपना सेल्फ स्किल बढ़ाएं, और आपकी परचेजिंग पावर ऑटोमेटिकली बढ़ेगी जब आपकी अर्निंग पावर बढ़ेगी। तो इस पर गवर्नमेंट का फोकस मेन रूप से, बिजनेस सेक्टर के लिए सरकार ने क्या कुछ राहत दी है,
बिजनेस सेक्टर में चाहे उसे नया बिजनेस लगाना हो, बार बार डिमांड यह रही है कि लाइसेंस में प्रॉब्लम होती है, रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होती है काफ़ी ज़्यादा, वन विंडो सिस्टम है नहीं, बहुत सारी चीज़ों को उनको सफ़र फेस करना पड़ता है। तो इसमें जो उम्मीदें थी बिजनेस सेक्टर वालों को, उनको क्या कुछ राहत दी गई इसके अंदर? जी, इस बजट में वन विंडो कॉन्सेप्ट तो बहुत समय से चल रहा है, और वहीं एक विंडो पर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जितना भी आपके व्यापार से रिलेटेड जो भी रजिस्ट्रेशन आपको मिलने चाहिए वो वन विंडो कॉन्सेप्ट तो बहुत समय से चल रहा है। पर इस बार जो स्टार्टअप्स को लेके जो हमारी सरकार है वो बहुत बढ़ोतरी उनको प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें स्टार्टअप में जो कि 31/3/24 तक की डेट जो ख़त्म हो रही थी स्टार्टअप्स को देने के लिए टैक्स की छूट, वो उसको 31/3/25 तक बढ़ा दिया है, जो कि और आगे बढ़ने की पूरी उम्मीद है ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि सरकार चाहती है कि वो स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करे, जिससे कि जो हमारी युवा शक्ति है वो स्किल्ड होकर देश पलायन करके जो बाहर जा रहे हैं वो ना होते हुए अपने ही देश में रह के कुछ नई चीज़ों के साथ, नई R&D के साथ आगे बढ़े, ऐसा सरकार का मानना है। इसलिए उन्होंने स्टार्टअप्स का जो एक साल 31/3/24 को समाप्त हो रहा था उसकी समय अवधि को 31/3/25 कर दिया है। नहीं, स्टार्टअप में डॉक्टर साहब सुनील गुप्ता जी, स्टार्टअप में अगर बात हो रही है कि युवाओं को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, तो आप बाहर ना जाएं, उन लोग जो है देश छोड़कर कंट्री छोड़कर नहीं जाएं, अंदर ही रहें, इंडिया में ही जॉब करें, पर सैलरी और इनकम की भी तो चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जिसकी वजह से लोग वहाँ जाते हैं आते हैं, तो उसके लिए क्या सरकार ने कुछ सोचा है इसमें? देखिए, बिल्डिंग खड़ा करना, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना या इंस्टीट्यूट खोलना, मेडिकल हब खोलना तो कोई दिक्कत नहीं, इजीली है, लेकिन उस पर क्वालिटी देना तो बड़ा मुश्किल काम है थोड़ा सा। तो मुझे लगता है कि इस सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या कुछ प्रावधान दिया, क्या कुछ ऐसा आया कि भाई युवा यहाँ से नहीं जाए? पूर्व में भी बहुत सारे साइंटिस्टों से अपील हुई थी कि लोग इंडिया में आकर के अपना जो है आप वो करें, रिसर्च करें। yes. उसमें अब्दुल कलाम साहब भी थे और उसमें भाभा, ये सब जितने भी थे उसमें तमाम लोग थे ऐसे। देखिए विनोद जी, मैं एक बात कहूँगा कि मोदी जी ने जो फॉरेन में अपनी जो पॉलिसी है, और ख़ास करके वो जहाँ भी जाते हैं और काफ़ी मतलब काफ़ी जगह जाते हैं, मतलब उनकी फॉरेन जाने का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत अच्छी है, और उसके पीछे बेसिक पर्पस उनका एक ही है कि वो वहाँ जाके जब एड्रेस करते हैं तो वो जितने भी युवा चाहे वो भारत के जो वहाँ पर हैं उनको वो मोटिवेट करते हैं कि नहीं आप हिंदुस्तान आइए। पहले मैं ये कहूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन अब हर फील्ड में कोई भी फील्ड हो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो गया है। और जहाँ तक सैलरी का सवाल है, मैं कहूँगा सैलरी को अगर हम उससे कंपेयर करें कि यहाँ पर अगर हमारा खर्चा कितना है और अमेरिका में कितना खर्चा होगा, तो मैं समझता हूँ कि सैलरी को भी कोई बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं रह गया है। हाँ, ये बात सही है कि हमारे हिंदुस्तान का जो ब्रेन है, जो हमारे हिंदुस्तान का जो जिस तरह से हम लोग हैं, और कभी कभी तो ये बात मजाक में तो होती है कि अगर हिंदुस्तान के सब लोग वापस आ जाएं सब कंट्रीज से, तो शायद वो कंट्री भी मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा उनका चलना, क्योंकि किस किस लेवल तक हमारे हिंदुस्तानी जो हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है विनोद जी, कि बहुत बड़ा उन्होंने कोई प्रोविज़न तो अभी नहीं इस तरह का दिखाया है, या हो सकता है ये इंटरिम की वजह से हो कि भाई वो कोई बहुत लुभावने उन्होंने कोई सपने नहीं दिखाए हैं कि जो लोग बाहर कर रहे हैं वो यहाँ वापस आ जाएं, उनको ये होगा ये होगा। लेकिन अब कुछ ये तो देखने में आ रहा है, क्योंकि हम लोग उस फील्ड में हैं, उस स्टेटस में हैं, कि अब ऐसा नहीं है कि बच्चे जो है वो डेस्परेट है, ऐसा नहीं है, उनको यहाँ भी पूरी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जी। एक्चुअली सरकार शुरू से, इस सरकार ने जो काम किया है उसका हमेशा ये विज़न रहा है कि आप जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने, और इसीलिए स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हैं कि जब आप एक बार अपने ही देश में रह के कुछ R&D करके न्यू आइडियाज़ के साथ अपना मॉडल प्रमोट कर लेंगे, विकसित कर लेंगे, तो आपको तो जॉब में आप तो कमाएंगे ही, साथ में आपके देश के और युवा भी आपके स्टार्टअप में जुड़ के देश को चलाने में फॉरेन में कई बड़ी कंपनियों के, कई इंटरनेशनल कंपनियों के CEO हिंदुस्तान के लिए लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये सवाल है कि 50% आबादी
को जो है सरकार ने क्या कुछ दिया। 50% आबादी में देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, उनको चाहे एजुकेट करना हो, चाहे उनकी सैलरी हो, चाहे उनको जो जॉब के बारे में बात करें, तो चूंकि हमेशा कंपेयर होता रहा है पुरुषों की सैलरी से, लेडी की सैलरी जो कम होती है हर जगह, कहीं भी ग्रोथ इतना नहीं है, एक तो कंपेयर ये था बहुत बड़ा। दूसरा कंपेयर ये था कि अब महिलाएं जो है सेना में भी आने लग गई हैं, महिलाएं से पुलिस में भर्ती हो रही हैं, बैंकिंग सेक्टर उनका सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, शिक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। आज भी मुझे लगता है सुशील गुप्ता जी के स्कूल में 90% महिलाएं होंगी आज। हैं साहब, बिल्कुल हैं सर। एक 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 कहावत है, एक कहा जाता है कि अगर आप एक मेल चाइल्ड को और एक फीमेल चाइल्ड को दोनों की अपब्रिंगिंग बिल्कुल सेम करें, उनको एक सेम तरीके से पालें, फिर भी जो ब्रेन होगा वो कहीं ना कहीं एक महिला का, यानी कि जो एक फीमेल चाइल्ड है वो मेल चाइल्ड से हर तरीके से अव्वल ही बैठेगी। क्योंकि ये ऐसा नहीं है, ये डॉक्टर्स का, ये साइंस में ऐसा माना गया है। क्योंकि ये आपको भी पता है कि एक जननी, हमें जननी क्यों कहा गया, मतलब एक महिला को जननी क्यों कहा गया है, क्योंकि वो एक दूसरी जान को जन्म देती है। इतना इतनी जब वो एक दूसरी जान को जन्म दे सकती है तो उसमें कितनी हिम्मत ईश्वर ने ऑलरेडी उसे प्रदान की गई है, तो उसका जब उसकी हिम्मत और उसकी शक्ति और फिर वो पढ़ लिख जाए, जो कि सरकार भी चाहती है कि हमारी आधी आबादी जो कि कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित है वो पढ़ाई में आ गया है, हायर एजुकेशन ले, तो जब इतनी सारी क्वालिटीज़ उसमें आ जाएंगी और वो शिक्षित भी हो जाएगी तो देश की तरक्की में केवल अभी जब आधा इंजन ही काम कर रहा था, यानी 50% ही लोग काम कर रहे थे, और जब 50% हमारी जो आधी आबादी जिसे हम कह रहे हैं जो महिलाएं हैं वो भी उतनी ही गति से कंधा मिला के जब आगे बढ़ेंगी तो देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। यही हमारा 2047 का विज़न भी है कि हम जो 50% हमारी कहीं ना कहीं वंचित है शिक्षा से या अपना काम ना कर पाने से या कहीं पुरुष समाज से कोई भी जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे खत्म करके महिला को वंचित कहाँ है, वंचित तो कोई है नहीं, 50% आबादी वंचित कहाँ है सर? आप देखिए, देखिए मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी बैठे हुए हमारे पास में, इनसे आप पूछिए कि इनके स्कूल में अब गर्ल्स कितनी है, बॉयज कितने हैं, आप पूछिए, रेशियो मुझे लगता है कोई कमी नहीं होगी एजुकेशन में। बिल्कुल कमी नहीं है साहब। और दीपिका जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह से गवर्नमेंट आप लोगों को बढ़ावा दे रही है, नारी शक्ति को जिस तरह से बढ़ावा दे रही है, हर जगह रिजर्वेशंस हो रहे हैं, इवन अब तो असेंबली में हो, लोकसभा में भी हो, तो माफ़ कीजिएगा कभी कभी हमें तो अपना मर्दों का भविष्य भी जो है वो खतरे में लग रहा है। और जो पुरुष प्रधान जो देश कहा जाता था, अब वो दिन दूर नहीं है कि अब नारी प्रधान तो नहीं तो कम से कम बराबर माँ तो होगा ही होगा। लेकिन मैं फिर भी इस सब के तो मजाक की बात अलग है, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि हम लोगों के साथ साथ अब देश की जितनी नारियां हैं उनको खूब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वो जिस लगन से और जिस उससे करती हैं उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि भाई, और एक घर संभालना कोई, कोविड में हम सब लोगों ने जाना है कि किस तरह से घर संभलता है और कि आपके किचन की इन्वेंटरी कितनी होती है और कितने आइटम किचन में। दोहरी ड्यूटी है, बिल्कुल ड्यूटी है, दोहरी ड्यूटी। सबसे बड़ा ये होता है गुप्ता जी मनोज की उनकी दोहरी ड्यूटी है, वो बाहर से भी काम करके आ रही है तो घर में भी काम करना पड़ रहा है, पुरुष बाहर से काम करके जा रहा है घर में काम नहीं कर रहा नहीं है कर ये मेंटेलिटी एक बनी है लोगों की, लेकिन दूर हो रही है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं बजट में प्रावधान के, महिलाओं के एजुकेशन के लिए हम बात कर रहे हैं उनके, कि उनको किस किस सेक्टर में क्या कुछ नौकरी देने का प्रावधान सरकार ने बनाया, चाहे वो सेना में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहें या और किसी डिपार्टमेंट में जाना चाहें, क्या सरकार ने ऐसा कोई मनोज कोई प्रावधान लाया है कोई ऐसा? देखिए बजट में अभी स्पेसिफिकली बात करें जो हाइलाइट्स ही अभी हमने पढ़ पाए हैं सुबह से जो चर्चा चल रही है, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का एक घोषणा की है सरकार ने, बड़ा वेलकमिंग स्टेप है और ये सीधा सीधा उस आत्मनिर्भरता से ही जुड़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा, ठीक बात, ताकि वो लखपति बन सकें और उस जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो गरीबी का उसके बाहर आ सकें वो और कुछ दिखा सकें। बाकी मैं, दीपिका जी बैठी हैं, मैं इस बात से पूरा सहमत हूँ, नारी में जो शक्ति होती है वो पुरुषों के मुकाबले बहुत कई गुना ज़्यादा होती है। आप इसलिए बोल रहे हैं मुझे लग रहा है घर पे देखा जा रहा होगा चैनल आपके, और लग रहा है
ऐसा भी है कि दूसरा ये देखिए, दूसरा ये कि 3 करोड़ महिलाओं को लगभग ड्रोन उड़ाने का भी एक उन्होंने दिया है प्रावधान सरकार ने, तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है कि अच्छा फैक्टर उनको भी एक शक्ति एक ताकत मिलेगी। हालांकि पायलट भी हो गई महिलाएं इस समय जो है, पायलट भी बन गई हैं, रेल भी चला रही हैं, बस भी चला रही हैं, उनको रोडवेज भी शामिल किया गया है। तो अरे विनोद जी, सिक्योरिटी में महिलाएं हैं, आप अपने ट्रैफिक कंट्रोल में देखिए तो वहां महिलाएं हैं, मतलब ईमानदारी से देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ हाँ कि मतलब कहीं है, कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे महिला जो है, जो लॉ है पूरा, डॉक्टर साहब मनोज, जो लॉ है पूरा वो फीमेल के इर्द गिर्द घूमता है, हाँ उनके ही सेफ्टीकरण, उनके ही सुरक्षा, उनके ही चीजों को लेकर के घूमता है। ये केवल कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हम जो प्रथम पाठशाला जब घर में पढ़ते हैं, बच्चे होते हैं, कहते हैं माता पिता से मिलता है, तो वहाँ भी ये चीज़ हमें जो है लर्न कराई जाती है कि भाई इनको ऐसा रखना, इनको ऐसा करना है, ऐसा जाना हमें ऐसा रखना है, तो फर्स्ट डे से जो है वो चीज़ें लागू हो जाती घर में। कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो बहुत दूर की बात है, हमारे सामाजिक परिवेश जो है, हमारे जो नियम कायदे कानून है वो बहुत मजबूत है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, ये पहले से ही है हमारे देश में, शास्त्रों में भी लिखा है यत्र नारियस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारे बहुत पहले लिख दिया गया है और तभी से नारी का सम्मान होता है। जो मुझे लगता है कि कहीं कहीं मतलब बड़ी कोफ्त होती है इस बात को सुन करके, जब ये सुनने में आता है कि महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ये मेरा निवेदन है इस प्लेटफॉर्म से, मैं बोलना चाहूँगा सभी को कि ये बात कम से कम रिपीट ना हो, क्योंकि ऐसा अब ब्रॉड माइंड है सब, और मैं खुद, मैं दो बेटी हैं मेरी, मैं भी यही सोचता हूँ कि बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं रहा है आज की तारीख में, हर फील्ड में, ईच एंड एवरी फील्ड में बेटियाँ बेटों से बेहतर करके दिखा रही हैं और किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं है, समानता पूरी है। देखिए मनोज जी, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, हम बजट की बात कर रहे हैं, बजट हमने कई चीज़ों को रखा जी इस पटल पर कि नारी सशक्तिकरण को लेकर के, चाहे सरकार को टैक्स रिडक्शन की बात करें हम, उनको क्या छूट दी गई है, उनकी सेविंग की क्या बात की गई है, या सीनियर सिटीजन की बात करें, चाहे महिला पुरुष उनकी बात करते हैं। देखिए जब इस टाइप की जब बात कर रहे हैं आप लोग, सामाजिकता को प्रवेश में जाके बात कर रहे हैं, तो दोहरी नीति है यहाँ पर, ठीक है, दोहरी नीति होती है, यहाँ पर कुछ बोलते हो आप, घर पर जाके कुछ होते हो। दूसरा, दो चरित्र हैं, हो सकता है थोड़ा सा पीड़ित हो आप, तो इसलिए जो है आप घर पे देखने के लिए कह रहे हो कि नहीं ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए ताकि आपका सेव हो सके। नहीं, ये मैं रियल बात बता रहा हूँ मैं जी। जब हम यहाँ होते हैं, कैमरे को फेस करते हैं, तो हमारा नज़रिया कुछ अलग होता है। जैसे हम घर के प्रवेश में जाते हैं या सड़क पर आते हैं, तो प्रवेश बदल जाता है, मैं गलत कर रहा हूँ, बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं औरों के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन अपने जो इर्द गिर्द है, आपके शहर का भी जो माहौल है, यहाँ पे मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन। मैं सर बस इसमें एक छोटी सी बात ये कहना चाहती हूँ आपके प्लेटफॉर्म से, मैं तो सभी से बल्कि एक करवद निवेदन करना चाहती हूँ कि जैसा व्यवहार और जैसा सम्मान आप अपनी बहन के लिए, पत्नी के लिए, बेटी के लिए चाहते हैं, वही सम्मान और वही आदर और वही एक आपके अंदर की जो भावना है दूसरे की बेटी को, दूसरे की बहन को देना शुरू करें आप, तो आपको कभी भी समाज में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्योंकि हम चाहते तो अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ है कि मेरी बेटी पढ़ लिख जाए, पर जब दूसरे की पढ़ी लिखी बेटी आपके यहाँ बहू बनकर आती है, तो कहीं ना कहीं आप ये कहते हो कि आपको आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सर गुप्ता जी, एक आखिरी सवाल आपसे है, लास्ट सवाल ये है कि हम एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए हिंदुस्तान जो है अभी 75-80% के आसपास लिटरेसी हमारी बढ़ी है, आफ्टर हम अगर बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद, फ्रीडम के बाद, तो अभी इस वक्त जो है, चूँकि देखिए आप लोग निजी सेक्टर से आते हैं, बिलोंग करते हैं, जिसमें आपके 31,000 करीब स्कूल हैं, और भारत सरकार के और स्टेट गवर्नमेंट के, सभी स्टेट के, चूँकि हम भी अपने आप को कह सकते हैं कि हम संघ है एक तरह से, यूनाइटेड है, क्योंकि हम 25-27 स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम भी रसी एक तरह अमेरिका तरह यूनाइटेड स्टेट कह सकते हैं अपने आप को। तो उसमें अगर देखें तो सरकारी स्कूलों की संख्या लगभग लगभग आप लोगों से कई गुना ज्यादा है, लगभग 10 लाख के आसपास स्कूल हैं सरकार के, जिसमें सरकारी है, निजी भी है, सम्मत्ता भी है उनकी इस तरह से। तो आप लोगों को जो उम्मीदें थी अपने स्कूल के बारे में, गवर्नमेंट सीबीएसई बोर्ड, देखिए यहाँ से बिलोंग नहीं करता, सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड से नहीं है, सीबीएसई बोर्ड यहाँ से सीधा दिल्ली से, या फिर कुछ आपने बताया कि फॉरेन से भी काफ़ी संबद्ध हो गए हैं, आईसीएससी, सीबीएसई, आईएससी भी, आईएससी भी है, कई कैटेगरी है उसमें। तो क्या चाहते थे आप लोग इस सेक्टर में, इस जगह पर,
खासतौर पर सीबीएसई मैंडेट में क्या बदलाव करे गवर्नमेंट? देखिए विनोद जी, हम जो चाहते थे वो ये चाहते थे कि जिस तरह से हम लोगों के ऊपर अब स्ट्रिक्टनेस आ रही है, वो मैं ये नहीं कहूँगा सब तरह के लोग हैं, लेकिन उसको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और ये जो स्ट्रिक्टनेस है वो सिर्फ हमारे ऊपर है। अगर हमको ये एनओसी लेनी है तो लेनी है, लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूल्स है तो वहाँ कोई एनओसी नहीं है, किसी भी तरह की नहीं है। मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन वहाँ पर मिड डे मील के देने के बावजूद भी क्या वहाँ पे परसेंटेज है, क्या वहाँ पे अटेंडेंस है। और दूसरा एक बात कहूँगा कि जो आरटीई के अंदर जो बच्चों को 25% हम लोग पढ़ा रहे हैं, उसमें भी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि वो पात्र जो बच्चे हैं उन्हीं को एडमिशन मिले। ये नहीं हो कि जो बच्चा पैसे दे सकता है, मज़े की बात तो ये है कि मेरे स्कूल में ही पढ़े हुए बच्चा अगले साल आरटीए में ले आता है। अब आप सोचिए एकदम से क्या हो गया। तो दूसरा मैं ये कहूँगा कि ये जो आठवीं तक हमें आरटीए के बच्चों को पढ़ाना है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनको उनकी अटेंडेंस, उनकी वो, अगर वो एग्ज़ाम में आए हों तो भी उनको अगले साल पास कर देना है। अगर वो उन्होंने एग्ज़ाम नहीं भी दिया है, सारे साल नहीं भी आए तो भी पास करना है। तो बहुत सारी ऐसी खामियां हैं। मैं खामियां के मतलब कहने का ये है कि भाई इस तरफ भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, और उनका ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि हमें जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर 25% हमें बच्चों का एडमिशन करा देना। जी मनोज जी, कुछ और कहना चाहते हैं लास्ट क्वेश्चन आपसे? हाँ सर, आप बताइए, अगर कुछ रह गया तो बता दीजिए। देखिए बजट पे चर्चा आप सुबह से कर ही रहे हैं, काफ़ी सब को समझ में आ गया है बजट क्या है। गवर्नमेंट का मेन फोकस आपने जो समझा होगा, जो मैंने समझा है, वो यही है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया जाए लोगों को। और देखिए बिजनेस क्लास के लोग भी अभी तक ये सोचते थे कि हम जो पैसा टैक्स के रूप में दे रहे हैं वो सही जगह जा कर के यूटिलाइज हो जाए। एक विश्वास की कमी जो पहले थी, वो विश्वास डेवलप होता हुआ आपको पिछले 10 साल में दिखाई दिया होगा, अभी वो डेवलप हो भी रहा है। और इसके कई सारे नमूने, कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने अभी रिसेंटली आए भी हैं। तो अब जो ये टैक्स बेस है, मेन दिक्कत है कि टैक्स पेयर्स का जो बेस है वो बढ़ने की ज़रूरत है हमारे देश को। तभी लोगों की शिकायतें, शिकवे दूर होंगे, टैक्स के रेट भी तभी कम हो पाएंगे। गवर्नमेंट को चलाना है देश को, देश के गरीब तबके को सुविधाएं भी देनी है, उसके लिए पैसा तो कलेक्ट करना ही पड़ेगा। जी जी, पैसा कलेक्ट करना है तो कुछ लोगों को ईमानदार होना पड़ेगा। बिजनेस लोबी को, बिजनेस लोबी ईमानदार होगी और मेंटली प्रिपेयर होगी कि मुझे टैक्स देना है। सवाल यह है तो कि टैक्स के दायरे में लोगों को और लाना है। बिल्कुल, वो टैक्स दायरे में लोग आए, सारे लोग छूट गए, टैक्स नेट बढ़े, बहुत सारे लोग अभी हुए हैं, वो टैक्स कर्व में जैसे आएंगे, टैक्स नेट में अगर वो बढ़ेगा, टैक्स का जो बेस बढ़ेगा। अभी देखिए जीएसटी के जो रजिस्टर्ड बिजनेस हैं वो भी बढ़े हैं। 140 करोड़ लोगों में 1,30,00,000 केवल जीएसटी में रजिस्टर्ड है, 1% है केवल। इनकम टैक्स पेयर्स की बात की, वो 7 करोड़ हैं, उन 7 करोड़ में केवल 3 करोड़ टैक्स देने वाले हैं। 40 लाख से नीचे जिसका टर्नओवर छूट दी है, ले चाहे नहीं ले, वो छूट हटा देनी चाहिए फिर, या तो छूट हटे तब जाकर के उसमें। नहीं, छूट हटने से टैक्स का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक ही है कि जब तक उसके स्टेटिस्टिक्स निकल करके सामने नहीं आएंगे। शर्मा जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लोग टैक्स तो दे ही रहे हैं। डायरेक्ट दे रहे हैं, वो बात अलग है कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, उनके पैन कार्ड नहीं है, कुछ लोगों को सामान खरीदते सारा टैक्स उनका। हमारा जो कहना था वो ये था कि जो टैक्स की हायर रेट को जो चिल्लाया जाता है कि साहब हायर रेट है टैक्स की, वो कम हो जाएगी अगर आपका क्वांटम बढ़ेगा। अगर आपकी टैक्स का हायर रेट जो है कम नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट कहती है, लेकिन उनको सुविधाएं उसमें नहीं, गवर्नमेंट कहती है लग्जरियस चीजों पे टैक्स रेट ज्यादा, और जो लाइफ सेविंग सरकार करा दे टैक्स पेयर को, तो मुझे लगता है कि उनको कोई टेंशन नहीं है किसी तरह की। उनको सिर्फ मलाल इस बात का है कि मैं इतना परसेंट टैक्स देता हूं, लेकिन मेरे साथ जो है कोई बीमा, कोई जो है मेरे साथ कोई चीजें ऐसी नहीं लागू। कुछ चीजें देखिए, अभी ये जो फेस चल रहा है, अभी पुरानी चीजों को लाइन अप करने का टाइम अभी चल रहा है, इस ट्रांजिट फेस से हम निकल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बजट चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बजट पेश हो चुका है, बजट पे उम्मीदें ये है, भारत सरकार ये चाहती है कि हम आत्मनिर्भर बने, विदेशों पर किसी भी डिपेंड नहीं रहे, इंडिपेंडेंट रहे। और कोविड ने ये सिखाया भी, कोविड ने बहुत कुछ ऐसा सेक्टर लेकर भी आए हम हिंदुस्तान में, चाइना से भी काफ़ी सेक्टर अगर हिंदुस्तान में आया, जो उम्मीदें थी कि जो चाइना से तमाम सेक्टर जो शिफ्ट हो रहा है
उसकी बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए गतिविधियों को, और वो सेक्टर शिफ्ट हुआ भी है और हिंदुस्तान को जो उम्मीद थी कि वो तेजी के साथ लेकर आएंगे अभी वो नहीं हो पाया ऐसा, लेकिन आने वाले समय में लगता है कि आशावादी हैं सभी, फ्यूचरवादी हैं, तो उम्मीद है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो इम्प्लीमेंट जल्दी होंगी, लोगों की मानसिकता अगर बदलेगी तो फिर उस पर भी ज़्यादा अमल होगा और हिंदुस्तान $5 ट्रिलियन का जो भारत सरकार का जो एक सपना है हिंदुस्तान का वो पूरा भी होगा, 2047 तक पूरा होगा। और इस बजट में कुछ छेड़खानी नहीं हुई ज़्यादा, तो मुझे उम्मीद है कि सरकार की योजनाएं लाभान्वित होगी, और चूंकि लोकसभा चुनाव है नज़दीक है, उस लोकसभा चुनाव के अनुसार अगर बजट इस तरह से दिया गया है, अभी चूंकि अग्रिम बजट है ये, अभी अंतरिम बजट है ये, अभी पूर्ण बजट कालिक अभी रह गया है, तो ऐसे में उम्मीद ये लगा रहे हैं लोग कि जो है आने वाला जो बजट होगा वो बहुत अच्छा होगा, और सरकार को अगर टैक्स नहीं देंगे हम तो सरकार जो है अपनी नीतियाँ नहीं लागू कर पाएंगी, सरकार की जो सरकारी योजनाएं हैं गरीबों तक जो पहुंचती हैं, सरकार की जो विस्तारवादी नीति है एक अच्छा राष्ट्र एक मजबूत राष्ट्र बनाने का, वो सपना भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार को बहुत बड़े बड़े काम करने होते हैं, लोगों को सिर्फ सड़क नाली खरंजा छोटे छोटे अपने गलियारे दिखते हैं, लेकिन सरकार को बड़े बड़े हाईवे बड़े बड़े एयरपोर्ट सीमा की सुरक्षा सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें वो खर्च करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें भी चलने के लिए इजाज़त दीजिए, देखते रहिए सी न्यूज़।